टीवी एक्टर शहजादा धामी ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान के किरदार से पॉपुलर हुए और फिर उसी शो से बाहर होने की वजह से काफी ज्यादा हेडलाइंस में बने रहे। अब शहजादा को फैंस मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में वहीं कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शहजादा धामी को ऑलरेडी एक नया प्रोजेक्ट मिल चुका है जो कि कलर्स टीवी का आने वाला शो है। हालांकि इस शो से रिलेटेड कोई भी ज्यादा न्यूज सामने नहीं आई है, बट कहा जा रहा है कि शहजादा धामी प्रियंका चहल चौधरी के साथ नजर आ सकते हैं एकता कपूर के मच एंटिसिपेटेड शो नागिन 7 में। तो हम आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है शहजादा के नागिन 7 को लेकर वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। शहजादा धामी को ऑफकोर्स कलर्स का कोई शो ऑफर किया गया होगा, बट वो शो नागिन 7 नहीं है और प्रियंका चहल चौधरी भी इसका हिस्सा होंगी, इसकी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। हाउएवर अभी तक सिर्फ और सिर्फ रिधिमा पंडित हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर मेन पॉजिटिव लीड ऑफ द शो, और इसके अलावा नागिन 7 में कौन कौन दिखेगा इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है एंड शहजादा तो कंफर्म्ड इस शो का हिस्सा नहीं होंगे।